हेलो दोस्तों, मैं शीर्षा धटेश कारण निवास बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये टमाटर, ये हाइब्रिड टमाटर है, ये गर्मी वाला टमाटर है। और देखिए कितना अच्छा इसमें फ्लावरिंग है तो, और ये फ्रूटिंग आप देख रहे हैं, ढेर सारी फ्रूटिंग है और फूलों से भी एकदम लदा हुआ है। और कितने बड़े बड़े ये गुच्छों में टमाटर हैं। ये बहुत खट्टे नहीं होते हैं, ये इस डिज़ाइन के हैं, ये गर्मी में होते हैं, गर्मी बरसात में। ये देखिए गुच्छों में है और गुच्छे, इसकी चटनी बन गई है खट्टे टमाटर तोड़ के। और कुछ ही, और इधर ये देखिए, आप देखते जाइए ये पौधे। और ये टमाटर ने इसको लगाया था, इसके बीज हमने स्टार्टिंग फरवरी में डाल दिए थे और उस समय थोड़ा ठंड पड़ती थी तो कवर कर दिए थे, जल्दी अंकुरण हो गया था। और डायरेक्ट इसमें हमने बीज बो दिया था और जो घास फूस से इसको ढक दिए थे तो जिससे जल्दी पौधे अंकुरण हो। तो आज ही देखिए अप्रैल है, आज छुट्टी थी तो हम यहाँ आए, थोड़ी कभी कभी अम्मा की मदद करवा लेते हैं। तो ये अम्मा का गार्डन है हमारा, तो हम सोचे वीडियो बना दें, बहुत ही अच्छे टमाटर लगे हैं। और इधर ये देखिए, ये इस तरह के पक रहे हैं, डेली निकलते हैं टमाटर ये, और दिखाते हैं हम आपको। और दोस्तों ये देखिए, ये अब अम्मा हमारी सियानी है तो इस तरह की देखिए घास उगाए हैं। अब इनको सोचे आप थोड़ा मदद कर दें, बीच बीच में जब छुट्टी वगैरह हो जाती है तो हम आ जाते हैं, थोड़ी मदद करवा लेते हैं। दूसरा दोस्तों, इतना अच्छा रिजल्ट, ये देखिए इतना अच्छा ये रिजल्ट कैसे मिल रहा है। तो एक तो ये मिट्टी में हम लोग इसको रख दिए हल्की, तो जो लू से बचे रहते हैं। और इधर ये दीवार है, उसका सपोर्ट मिलता है, तो धूप तो रहती है, उगते हुए सूर्य की धूप रहती है। अब जब सूर्य भगवान 12-1 बजे उधर हो जाते हैं तो यहाँ बिल्कुल ही धूप नहीं आती है, तो ये असर है। और दूसरा, ये थोड़ा ऐसे करके इनको रख दिए हैं, डंडी से बांधे नहीं है, क्योंकि जो टेरिस की गरम गरम जब धूप निकलेगी, गरम गरम लू हवा लगेगी, तो इसको लिटा दिया गया है कि ये लू से बचे रहें। और ये देखिए, ये ऐसे पक जाते हैं टमाटर, ये इस तरह के, ये कितने अच्छे हैं, ये जैविक टमाटर है बिल्कुल। इनकी खाद हम आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। और वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कि अपने यहाँ गर्मी में, हमारे यहाँ रीवा के हैं हम लोग, उतना टमाटर नहीं होता। जो किसान बड़े बड़े हैं वो आधुनिक तरीके से करते हैं, लेकिन घरों में नहीं होता। तो ये बीज लगाने से और इस तरह केयर करने से हमको ये अप्रैल जैसी गर्मी में भी अच्छे अच्छे टमाटर मिलते हैं। और इस तरह के ये देखिए ऐसे लगे हुए हैं बिल्कुल अंदर तक, ये पके हुए हैं, अंदर दिख नहीं रही है। देखिए मैं अंदर से ये तोड़ रही हूँ और अंदर भी लगे हैं ऐसे, ये टमाटर बड़े बड़े हैं। और ये देखिए गुच्छों में, ये मैं गुच्छा दिखाती हूँ, और भी बहुत सारे लगे हैं। तो इन सब का दोस्तों राज है कि आइए खाद हम बता दें। पहली बात तो मिट्टी में बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल नमी बनी है। तो एक तो पहली बात, इनमें मिट्टी में हम नमी बना के रखते हैं। और ये देखिए जैसे ये नमी है, बिल्कुल ही नमी है, कीचड़ की मिट्टी नहीं है। ये नीचे इतना बेस्ट, ये कंटेनर देख रहे हैं, बड़े से पॉट में लगा हुआ है। और इसमें जितना टेरिस का जो पौधे प्रून करने के बाद सब प्रकार की पत्तियाँ और जो सब्जी वगैरह सलाद, उन सब के छिलके भरे हुए हैं सुखा सुखा के। और फिर सड़ी हुई गोबर की खाद, नीम खली राख डली हुई है, और इसी का इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो मिट्टी में नमी और नीम खली, और साथ में इस तरह की राख। और ये राख दोस्तों मामूली राख नहीं है, हमारे यहाँ ये कंडों की राख है, थोड़ा लकड़ी भी आम की मिली हुई है, हवन की राख है। तो राख वैसे बहुत ही अच्छी होती है, वुड एस कैल्शियम फास्फोरस होता है, प्लस फंगीसाइड का काम करती है, पोटास की मात्रा इसमें होती है, तो वो खाद तो मिलती है, फंगीसाइड का भी काम करती है। तो सभी राख अच्छी होती है, लेकिन कंडे से अच्छी लकड़ी की राख होती है, तो इसमें लकड़ी कंडा दोनों का मिश्रण है। नंबर 3, हवन। हवन में कई सारी जड़ी बूटियां रहती हैं और कुछ ऐसे पदार्थ जैसे भोजन सामग्री, फल फूल, सबका हवन लगाती हैं, तो इससे तो एक्स्ट्रा पोषक तत्व मिल जाते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और पोषक तत्व से भरपूर ये हो जाती है। तो और मिट्टी में नमी होने के साथ साथ अगर हम टमाटर खड़े, जैसे ठंडी में हम लोग ना डंडे के सहायता से खड़ा कर देते हैं, नहीं ब्रांच, बस हमने ऐसे लिटा दिया है कि जो एक्स्ट्रा धूप वगैरह से बचे, क्योंकि ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखा है। और वैसे ही इसमें यहाँ 12-12:30 की धूप आती है, लेकिन 12 तक की धूप इतनी कड़ी हो जाती है 8 के बाद, तो ये जो पत्ते हैं टमाटर को बचा के रखते हैं, झुंड में हैं, इधर भी आप में हैं, ऐसे जितने भी पौधे लगे हैं उधर भी लगे हैं, हम आपको दिखाएँगे। तो इसलिए, और
इसके राख के अलावा दोस्तों सड़ी हुई गोबर खली नीम खली और बताते हैं क्या डालते हैं। पिताजी हमारे जितने फूल हैं सब प्रकार के फूल ये का करते हैं नीचे डालें, सूख गया जब धूप लगी ये सूख गया ना इसी के ऊपर आज का फिर फूल डाल देंगे एक दो दिन और इस समय धूप में सूख जाते हैं और पहले ठंड में वैसे फैला देते थे जमीन में तो इनको डाल देते हैं नीचे गोड़ा करके इनको। इस सब प्रकार के फूल हैं और फूल बहुत ही अच्छा इससे खाद डिकम्पोज होकर बन जाती है। तो यही है इस टमाटर का राज दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह मुझे ऑर्गेनिक इतने अच्छे टमाटर मिल रहे हैं कि हमारा पौधा एकदम से लदा हुआ है टमाटरों से, बस यही जैविक। और एक बार इसमें जो नीम है घर की नीम की पत्तियाँ हो गई हैं थोड़ा सा शैम्पू लिक्विड इनका इस पर अगर हम टाइम से करते रहें तो फिर इन ऑर्गेनिक मार्केट वाला जो पेप्टिसाइड करने की डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो नमस्कार दोस्तों।